अब अलग अलग काम के लिए अलग अलग ऐप नहीं, हर दुकानदार की बस एक ही ऐप बिग ब्लिस। बिग ब्लिस चुने, केवल 30 सेकंड में अपने स्टोर को दुनिया के सामने लाएं, अपने कारोबार को बढ़ाएं, मुनाफा कमाएं, खुशियां कमाएं। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। सरकार ने चालू 2022-23 रबी खरीद वर्ष में अब तक 37,192.07 करोड़ रुपए के एमएसपी मूल्य पर 184.58 लाख टन गेहूं की खरीद की है, जिससे 17.5 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। खाद्य मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी है। भारतीय खाद्य निगम FCI और राज्य एजेंसियों द्वारा की गई कुल गेहूं खरीद एक साल पहले की अवधि की तुलना में काफी कम है। आपको बता दें कि रबी खरीद वर्ष अप्रैल से मार्च तक चलता है, लेकिन अधिकांश खरीद जून तक समाप्त हो जाती है। पिछले खरीद वर्ष में अब तक के सर्वाधिक 433.44 लाख टन गेहूं की खरीद की गई थी। मंत्रालय के अनुसार चालू खरीद वर्ष के 29 मई तक पंजाब में 96.16 लाख टन, मध्य प्रदेश में 44.45 लाख टन, हरियाणा में 40.97 लाख टन, उत्तर प्रदेश में 2.84 लाख टन गेहूं की खरीद की जा चुकी है। इसी अवधि के दौरान बिहार में लगभग 3,343 टन, चंडीगढ़ में 3,221 टन, उत्तराखंड में 1,982 टन और राजस्थान में 1,685 टन, जबकि दिल्ली में 1 टन गेहूं की खरीद की गई है। गेहूं उत्पादन में गिरावट और निर्यात में वृद्धि के कारण गेहूँ खरीद लक्ष्य को मौजूदा वर्ष के लिए संशोधित कर 195 लाख टन कर दिया गया है, जो पहले के 444 लाख टन था। केंद्रीय खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने कहा है कि सरकारी खरीद के घटने की बड़ी वजह निर्यात मांग बढ़ना रही है। निजी व्यापारियों ने आगे बढ़कर खुले बाजार में एमएसपी से अधिक मूल्य पर किसानों से गेहूं की खरीद की है। सरकारी एजेंसियों की अपनी सीमाएं हैं, जो एमएसपी से अधिक मूल्य पर खरीद नहीं कर सकती हैं। फिर भी हमारे पास घरेलू जरूरतों के मुकाबले सरप्लस खाद्यान्न है। गेहूं के साथ सरकार के पास पर्याप्त चावल का स्टॉक भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।